यीशु के जिंदा और जिराई नाम में आप सबको सलाम। क्या हाल चाल है? जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रीडम फ्रॉम सिन लीड्स टू इंटरनल लाइफ। गुनाह से आजादी हमें अब्दियत की तरफ लेकर जाती है। क्या है टॉपिक? ये जुमला है, ये जुमला लफ्जों से मिलके बना है और हर लफ्ज जो इसमें बोला गया है वो अहमियत रखता है। क्या रखता है? पहला लफ्ज आजादी, दूसरा लफ्ज गुनाह और तीसरा लफ्ज अब्दियत। आजादी, गुनाह और अब्दियत। गुनाह से आजादी अब्दियत में लेके जाती है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप में से अब्दियत में गया कौन है या किसने एक्सपीरियंस किया या इसका तजर्बा किसने किया? किसी ने भी नहीं। तो आप फिर किस बुनियाद पे इस बात का दावा करते हैं कि आप गुनाह से बच के अब्दी जिंदगी में जा रहे हैं? कौन सी अब्दी जिंदगी है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि आजादी होती क्या है। हमें कौन बताता है कि हम गुलाम थे या आजाद थे? हमें कौन सिखाता है कि हम अपने ही गुलाम बने हुए हैं या अपने माहौल के गुलाम बने हुए हैं या शैतान के गुलाम बने हुए हैं? दूसरे लफ्जों में गुनाह के गुलाम बने हुए हैं। ये परसेप्शन, ये ख्याल हमारे दिमाग में कौन लाता है, कौन डालता है? शरीयत से पहले क्या ये कॉन्सेप्ट था कि इंसान गुनाह का गुलाम है या नहीं? कैसे? क्योंकि जो 10 अहकाम थे, जब वो अहकाम में से कोई भी अहकाम तोड़ते थे तो उन्हें पता होता था हमने ये गुनाह किया है। नहीं, शरीयत से पहले, शरीयत से पहले इंसान को पता था कि वो गुनाह का गुलाम है या नहीं, उसे अब्दियत में भी जाना है या नहीं, इस तरह से कुछ नहीं पता था मुझे। एक्चुअल में अगर फ्रीडम जोन्स होता है ना, फ्रीडम एक बहुत प्रेशियस चीज है। ये एक कीमती एहसास है जिंदगी में, जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं और बन सकते हैं। और इन तीनों चीजों पर एक हद ठहराई जाती है मुख्तलिफ तरीके से। आप आजाद नहीं होते, क्या जो कुछ आप सोचते हैं वो करने के ख्वाहिशमंद है या नहीं? होता है, जब हम सोचते हैं तो हमारा दिल चाहता है। नौजवान होते हुए चूंकि इंसान फुर्तीला होता है, बहुत कुछ करने को दिल करता है। और जब मैं अपनी क्लास में, मुझे पता था मैं सबसे ज्यादा लड़ाका था और लड़ाइयां बहुत करता था, और अभी भी कभी कभार वो एहसास दिल में आता है कि दोबारा से उस तरह की लाइफस्टाइल शुरू की जाए जिसमें लड़ाई, झगड़े और मार कुटाई हो। लेकिन मैं उस ख्याल को क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, उस पर अमल नहीं करता। अब क्या ये आज़ादी है या गुलामी है? क्या जब मैं अपने ख्याल को ऊपर अमल नहीं करता, क्या ये गुलामी है या आज़ादी है? गुलामी है। कौन कौन कहता है ये आज़ादी है? आज़ादी है। आजादी। और कौन कहता है गुलामी है? ये रास्तबाजी की गुलामी है। ठीक है, क्योंकि जब हम उस ख्याल तो फिर उसी में जाते हैं, इसका मतलब है कि हम गुलाम हैं। गुलाम है ना उस चीज की जो आप करते रहे हैं, जब हम वो चीज आपको ख्वाहिश दिला रही है और वही आप करना चाहते कर रहे हैं, तो जब हम छोड़ देते हैं तो फिर हम आजाद हो जाते हैं। लेकिन आप उसको कर भी नहीं रहे ना, उसको तो खत्म कर रहे हैं, तो आप आजाद होना चाह रहे हैं उस परेशानी से, गुलामी से आजाद होना चाह रहे हैं। नहीं मानते कुछ खबरी को नहीं मानते, लेकिन वो भी इस तरह से हरकत नहीं करते। अब ना इसमें जो सवाल पहले किया गया था ना कि जो बुरे लोग हैं वो अच्छे काम क्यों करते हैं, तो अच्छे काम जो है ना वो एक कॉमन, क्या कहा जा सकता है, एक धागा है जो सब में बुना गया हुआ है। ठीक है,
और जो लॉ है, जो कानून है पूरी दुनिया में, वो जो एस्टैब्लिश किया गया है वो शरीयत से और खुदा के कलाम से किया गया है। सो लिहाजा वो कॉमन लॉ जो कि लोगों के दिमाग में भी है और दिलों में भी है और बाइबल से ही उन्होंने निकाला है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम उनको अच्छे काम करते हैं। अब एक शख्स चोरी नहीं करता, एक शख्स जना नहीं करता, एक शख्स खून नहीं करता, एक शख्स झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं करता, हम उसे बोलेंगे ये जबरदस्त शख्स है, चाहे वो मसीही हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये अच्छे काम है, ये इंसानों के नजदीक अच्छे काम है। लेकिन जब ये अच्छाई हम खुदा के सामने रखते हैं, ये अच्छाई किसी भी काम की नहीं रहती, क्योंकि खुदा के नजदीक जो चीज मैटर करती है, जो चीज अहमियत रखती है, वो आपका दिल है। दिल से मुराद आपका वो इंसानी हिस्सा या वो दिमाग, जो उनसे हमारा दिमाग में और दिल में फर्क है, ठीक है। दिल हमारा नहीं सोचता, दिल उस चीज को कहा गया जहां से हमारे ख्यालात निकलते हैं, जहां से हमारे तसव्वुरात निकलते हैं, जहां से हमारी ख्वाहिशात निकलती हैं। अब गुनाह और आजादी, गुनाह ने क्या किया? हमें गुलाम बनाया। अब हमें इस बात का कहां से पता चला कि गुनाह ने हमें गुलाम बनाया? कहां से पता चला? जब हमें लॉ मिली, सही, जब हमें शरीयत मिली तब हमें पता चला कि हम किसके गुनाह के गुलाम हैं। अगर शरीयत ना मिलती तो क्या गुनाह के गुलाम होते हैं हम लोग? मैंने कहा सेरेमोनियल लॉ या जो सिविल लॉ होता है वो हर एक सिविलाइजेशन के अंदर था। इवन के हिंदू भी, उनके रिचुअल्स कुछ ऐसे थे जो कि इंसानी तकाजों को पूरा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलना, लालच करना और दुनियावी चीज़ों से दूर रहते थे। ये एक सिविल लॉ या उनके अपने मजहबी लॉ बनाए हुए थे। लेकिन जब खुदा का कलाम आता है, खुदा का कलाम वाहिद अथॉरिटी है जो हमें इस बात की तरफ लेके जाता है कि आप गुलाम हैं, क्योंकि ये आपका ओरिजिन बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको बनाने वाला कौन है और आप हैं कौन। इसकी मिसाल हम लोग 14 अगस्त के वाकया से लेते हैं। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? क्या आजादी मिली पाकिस्तान? मुझे लगा कि आजाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। वो कब हुई थी? आजादी किस चीज से? किसकी गुलामी? तो क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ नहीं थे रह सकते? उन्होंने अपने ही अलग क्यों मुल्क बनाने की ख्वाहिश की? एक जवाब चले, एक बनाए गई नहीं, वो अपनी मजहबी रवायात को ताकि अच्छे से पूरा कर सके। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जमीन। हाँ, उस 14 अगस्त 1947 को जो हुआ था ना, उसके पीछे बहुत 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 लंबी हिस्ट्री थी, ठीक है, जो कि मुसलमानों के दिमाग में थी। अब जो शख्स, जिस शख्स ने पहला ये ख्याल मुतारिफ कराया, सर सैयद अहमद खान ने, के दो कौमी नजरिया के हिंदू और मुसलमान क्या है? दो अलग कौमें, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के गिलास में नहीं पी सकते। अब ये वो ख्याल था जिसने वो फर्क बढ़ाया और ये फर्क बढ़ता ही चला गया। जंगों की सूरत में इस फर्क ने अपनी अमली शक्ल अख्तियार की, नफरत की शक्ल में, और आखिर में मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अब मुसलमानों ने जब ये, या हिंदुओं ने भी जब ये सोचा कि हमें आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने पहले गुलामी को समझा कि गुलाम हम लोग किस चीज़ के हैं। गुलाम वो अंग्रेज़ों के थे हिंदू, और उससे पहले मुसलमानों के, क्योंकि लार्ज जो किंगडम थे इधर हिंदुस्तान में वो मुसलमानों के, बादशाह मुसलमान थे, वो उनके भी गुलाम थे। अब हिंदुओं के पास ये चांस था कि वो मुसलमानों
से भी आज़ादी हासिल कर सकते थे, मुसलमानों पर भी हुकूमत कर सकते थे और अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करके आगे बढ़ सकते थे। अब ये देखिए इतना लंबा पर्सपेक्टिव है, एक इतना लंबा बैकग्राउंड है एक उस वाक्या को करने में और उसके बाद की जिंदगी में। बीच में 14 अगस्त 1947 का वाक्या, उससे पहले का वाक्या और है और उसके बाद का और है। बेशक आज भी कहते हैं कि हम लोग गुलाम हैं, लेकिन वो अलग बात है। इसी तरह से मसीह यसु के दरमियान में हिस्ट्री डिवाइड होती है, यसु मसीह से पहले की और यसु मसीह से बाद की। यसु मसीह जब आया वो आज़ादी को लाया, और उससे पहले जितनी भी तारीख है अब जब भी बाइबल पढ़ते हैं आपको गुलामी ही नजर आएगी। नबी भी उस गुलामी को महसूस करते थे, और वो गुलामी थी अपनी जात की। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा डीप में लेके जाऊंगा। आपका दिल किस चीज का मंबर? आपका दिल किस चीज का मंबर? जिंदगी का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इसकी खूब हिफाजत कर क्योंकि सही है। अब जब हमारा दिल खराब हुआ ना, उल्टी वाला दिल खराब नहीं हुआ, जब हमारा दिल ट्विस्ट हुआ, जब ये अबोरेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं नफरत के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ये शख्स देखना पसंद नहीं है, ठीक है। हमारा दिल खुदा के लिए भी ऐसा हो गया, हम खुदा को देखना सुनना और इसके अलावा जो लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहे हम पसंद नहीं करते थे। मसीही होने से पहले या मसीह के आने से पहले जितने भी इंसान गुजरे शरीयत को छोड़ के, उनके दिल खुदा से नफरत करते थे। बावजूद इसके कि इसराइलियों ने खुदा के इतने इतने बड़े काम देखे, फिर भी वो गुनाह करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि दिल जो उनसा था ना वो गुलाम था, एक ऐसी एहसास का, एक ऐसे ख्याल का जिसको हम गुनाह कहते हैं, और वो बागे दिन में खराब हुआ। उसमें हमारी कितनी सेंसेस लगी थी, हमारे पास कौन सी 5 senses हैं जिन्होंने गुनाह में किरदार अदा किया, कोई बता सकता है? सबसे पहले आंखों की बारिश, हाँ, सुना, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया, और तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। यहाँ पे दिल खराब हो गया, यहाँ पे दिल अबोरेंट हो गया था खुदा के खिलाफ। वो जुमला जो शैतान ने हवा से बोला कि तुम खुदा की मानित बन जाओगे, ये हमें ले डूबा, और आज भी हम इसी पर अमल करते हैं। हर शख्स खुदा बनने की कोशिश करता है, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं, वो भी इस तरफ हमें लेके जा रही है कि हम एक ऐसी लाइफ गुजारें जिसमें मौत या ये चीज़ें ना हों। अब मैंने फ्रीडम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक इंसान बिल्कुल आज़ाद होता है कुछ भी करने के लिए, उसके ख्यालात के ऊपर कदगर नहीं लगाई जाती, उसको रोका नहीं जाता, जो कि फ्रीडम हम लोग वेस्ट में देखते हैं। फिर भी वहाँ पे कानून है, लेकिन जो एक फ्रीडम होता है ना, अगर आप आज़ादी की मुकम्मल तारीख देखें ना, तो वो ये बनती है आप आज़ाद है कुछ भी करने के लिए, आज़ाद है कुछ भी करने के लिए, किसके लिए? फिर सवाल ये आता है, मैं आज़ाद किया जाता हूँ किस मकसद के लिए आज़ाद किया जाता हूँ? मुसलमान आज़ाद हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, किस मकसद के लिए? ताकि इस्लामिक वैल्यूज़ को क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। देन हम भी आज़ाद किए जाते हैं किसी चीज़ से जिसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप फजूल में आज़ादी हासिल करते हैं तो आज़ादी सबसे बड़ा इंसान के लिए फंदा है, लेकिन अगर आज़ादी किसी मकसद के तहत हासिल की जाती है तब वो एक बामकसद आज़ादी बनती है। अब ये इसी तरह से जैसे सुलेमान ने वास की किताब में लिखा,
उसने हर एक चीज का इल्म देखा, लेकिन उसने कहा कि बातें हैं बातें हैं बातें हैं। फिर जब हम लोग भी जिंदगी के तजर्बात में से गुजरते हैं, हम कहते हैं बातें हैं, क्योंकि इनकी कुछ हकीकत ही नहीं, कुछ मकसद ही नहीं नजर आता। मैंने अपनी बॉडी के सेल्स को जान लिया, क्या मैं सेल का इल्म हासिल करने से मौत से बच सकता हूँ? क्या सर्कुलेशन सिस्टम का इल्म हासिल करने से मैं मौत से बच सकता हूँ? क्या झूठ बोलने से बच सकता हूँ? क्या किसी औरत को या कोई औरत किसी मर्द को बुरी नगाह से देखने से बच सकती है? नहीं। फिर इस इल्म का क्या फायदा? आप बोलेंगे यार वो चीज़ें तो उधर की उधर ही हैं। हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी, एक ऐसी खुशखबरी की जरूरत थी जो कि हमारे दिल को नया करती, जो कि हमें हमारी सोच को, हमारे ख्यालात को, हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट को तब्दील कर देती नए सिरे से। सिन कोई मुझे बता सकता है क्या सिन क्या है? निशान मिस कर देना, इसका मतलब होता है निशान मिस कर दिया आपने, आपने तीर कमान खींची और आपने अपना मंजर या निशान मिस कर दिया। इसी तरह से हमने भी मिस कर दिया। अब हम लोग जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन हम उसमें मकसद ढूंढते हैं, मकसद ना हो तो फिर मसला होता है, आदमी पागल हो जाता है। मैंने होते हुए भी देखे, पढ़ता भी हूँ। तो एक बंदा था रूसो, उसका नाम था, फिलोसोफर था, उसने अपनी सारी जिंदगी इस सवाल को जानने में लगा दी, मैं हूँ, मैं वजूद रखता हूँ सारी जिंदगी, और उसने इस पे किताबें लिखी। अजीब है, वो इस मकसद को जानना चाहता था। पहले उसने देखा कि मैं क्यों हूँ और मैं हूँ भी या नहीं। अब इसी तरीके से जो सिन है ना, गुनाह, ये हमें खुदा की जात जब सामने आती है, खुदा की बातें जब सामने आती है, तब ही हम जान पाते हैं कि गुनाह है, अदरवाइज हमारे लिए गुनाह नहीं है। जो मजहबी रसूमात हिंदू अदा करते थे, जब वो बच्चों को या लड़कियों को कत्ल करते थे, नौजवान लड़कियों की बलि देते थे या नौजवान लड़कों की, तो ये उनके हजूर गुनाह नहीं था, ये उनके हजूर पाकीज़गी का एक अमल था जिससे वो अपने भगवान को या देवता को खुश करते थे। लेकिन जब जब खुदा ताला जो कि जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जब उसने सब कुछ बनाया और उसने बताया कि ये करना गलत है, तब ये गुनाह बना। और आज हिंदुस्तान में ये काम नहीं किया जाता, क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ मिशनरी आए, बाइबल आई, तब ये काम बंद हुआ। बीवियों को जलाया जाता था, ये भी गुनाह की वजह से होता था, लेकिन उनके नजदीक ये काम सही था। किसने उनके ऊपर कदगन लगाई कि ये काम गलत है? इसने, ये पहचान देती है। एक क्रिएटर है जिसने आपको हुक्म दिए, उसने आपको फर्क बताया और फर्क ये बताया कि ये करना और ये नहीं करना। अब मसला ये है ना, चूंकि हमारा दिल हो चुका है बहुत ही ज्यादा खराब, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो से है ना, उनको देखना जरूर है। सबसे पहला गुनाह काहिन ने किया या आदम और हवा ने? सबसे पहला बड़ा गुनाह आदम और हवा ने किया या काहिन ने? सबसे बड़ा किसने किया? हम कहते हैं बड़े छोटे गुनाह भी हैं। गुनाह तो गुनाह है, चाहे अल्लाह करे आंखों की ख्वाहिश से पैदा हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर धक्का बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा गालिबा। ये नहीं हम लोग कर पाते जो कि हमें हकीकी आज़ादी की, अब जो खुदा ने हम हकीकी आज़ादी देखनी है ना आपने बाइबल में, इंसानी हकीकी आज़ादी, तो वो पैदाइश के पहले दो अबवाब में और मुकाशफा के आखिरी दो अबवाब में आपको मिलेगी। इसके अलावा बीच में जो आता है वो सारा यही आता है, मसीह से पहले गुलामी, मसीह के बाद आज़ादी। लेकिन
उससे भी एक बड़ी चीज है कि खुदावन उन चीजों को खत्म करेगा जो जिसकी वजह से नफरतें हसद अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं मेरे साथ रोमियो 3 बस क्या हुआ क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर बेशतर ही से इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं ये स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है जब उसने यूनानियों का नाम लिया ना उसने उनका नाम लिया जो कि शरीयत के बगैर थे तो इसका मतलब है उसने जो खुदा ने हमारे दिल के अंदर कानून रखा है उसके मुताबिक यूनानियों को जज किया और यहूदियों को शरीयत के मुताबिक जज करके कहा कि सबके सब गुनहगार हैं क्यों क्योंकि कोई भी वो नहीं करता जो करना चाहिए चुनाचा लिखा है कोई रास्तबाज नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई खुदा का तालिब नहीं सब गुमराह है सबके सब निकम्मे बन गए कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं उसका गला खुली हुई कब्र है उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया उनके होंठों में सांपों का जहर है उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो है उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं और पहले बाब में लिखा हुआ है कि इंसान की खताकारी ये सारे का सारा ये दिल है दिल के ऊपर गुनाह राज कर रहा है और इससे आगे जो हमारी जिंदगी चल रही है उसके अंदर लानत कड़वाहट झगड़ा सब कुछ बह रहा एक चश्मे की तरह और इंसान की खताकारी और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया नालायक हरकतें करें ये है आपके दिल की हकीकत अगर खुदा आपसे वो चीज़ जो उसने आपको दी है जिसको हम कानून कहते हैं या खुदा की रास्तबाजी कहते हैं वो उठा ले तो आप क्या करेंगे बस वो हर तरह की नाराजगी और बदी और लालच और बदखाई से भर गए और असद और खूनरेजी झगड़े मकारी और भूख से मामूर हो गए और गिब्बत करने लगे बदगो खुदा की नज़र में नफरती औरों को बेइज्जत करने वाले मगरूर शेखीबाज बदियों के बानी माँ बाप के नाफरमान बेवकूफ़ अहद चिकन तभी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं फिर भी ना फक्त आप ही ऐसा करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं जिस आज़ादी को हम लोग गुलामी समझते हैं वो असल में गुलामी है और जिस आज़ादी को हम गुलामी समझते हैं वो असल में आज़ादी है नसीब है क्योंकि हम वो चीज़ समझ नहीं पाते मैंने कल स्टेटस पे अपने बारे में एक चीज लिखी मैंने कहा आई हेट माई सेल्फ बिकॉज आई नो माई सेल्फ नथिंग बट इवल इन मी आप अपने आप का मुशाहदा करके देखें और ये साया के एक्सपीरियंस के साथ मिलाने की कोशिश करें तो आप भी खुद को कहीं भी नहीं पाएंगे आप भी कहेंगे यार मुझे अपने आप से नफरत है क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ मैं मेरे अंदर क्या बसता मुझे पता मैं लड़ाई झगड़े कदूरत गुनाह झूठ बोलना लालच करना ये सब चीज़ें मुझ में बसी हुई हैं ये गुनाह की गुलामी है लेकिन इनको पूरा करना मैं आज़ादी समझता हूँ इसकी पहचान कौन देगा कि ये पूरा करना आज़ादी नहीं गुलामी है खुदा का कलाम अब कुछ वाकयात को देखते हैं मैंने एक कलाम सुनाया था मैंने पूछा था कि आपके नज़दीक बाइबल में बदतरीन वाकयात या गुनाह कौन कौन से हैं तो दोहरा सकते हैं क्या याद हो सकता है किसी को जिनको पढ़ते हुए आपको शर्म आती है यार ये क्या पढ़ रहा हूँ ये अजीब चीज अब दाऊद खुदा का चुना हुआ जो कि खुदा के दिल के मुताबिक है लेकिन उसके बेटे ने देखे क्या हरकत की है फिर इसी तरह से लूत का वाक्या पढ़ते हैं वो भी बहुत अजीब है फिर आप
यूसुफ और उसके भाइयों का पड़े भाई भाई को बेच रहे हैं, अजीब लगता है, खून खून को बेच रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। फिर आप पोतीफर और यूसुफ की यूसुफ को देखें, पोतीफर की बीवी और यूसुफ को देखें तो वो उसे जना करना चाहती है, क्यों? क्योंकि दिल खराब है, दिल का होना जरूरी सही होना जरूरी है। वो गुलाम है उन ख्वाहिशात का जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदा का कलाम वो अथॉरिटी है जो आपको बताएगा कि आप गुलाम किस किस चीज़ के, अदरवाइज आप रियलाइज नहीं कर सकोगे और महसूस करोगे कि यार ये गलत है, लेकिन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सही तौर से। इसीलिए मंगोल जो कि एथियस थे एक किस्म के और बुतप्रस्त थे, पत्तों वर्ग के उन्होंने ढेर लगा दिए, जहाँ पे जाते थे बच्चों समेत क्या बूढ़े से लेके दूध पीते हुए बच्चे तक सबको मलिया पेट करते हुए चले जाते थे। ये था गुनाह। नूह के ज़माने में क्या हुआ? गुनाह। नूह के ज़माने में क्या हुआ? गुनाह। गुनाह की गुलामी के कॉन्सिक्वेंसेस खुदा की जजमेंट, उस जजमेंट से आज़ाद करने के लिए मसीह यीशु आया था। मसीह यीशु ने सलीब पर जान दी और हमें आज़ाद किया। कभी आपने ये लफ्ज सुना डार्क गॉस्पल, स्याह खुशखबरी? हम किस खुशखबरी की बात करते हैं? ये दरवाजा बंद कर दें, ये आवाज आ रही है। स्याह खुशखबरी क्या है? अंधेरे की खुशखबरी क्या हो सकती है? एक तो खुशखबरी हम दावा करते हैं, हम किस बात का दावा करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हम यीशु मसीह का दुनिया पर आना, दुख उठाना, सलीब पर मरना, जी उठना और फिर आने को खुशखबरी कहते हैं। तो डार्क खुशखबरी वो है मेरे ख्याल में जो इसको गलत तरीके से बयान करते हैं, जो इस खुशखबरी को मैनिपुलेट भी करते हैं, वो भी स्याह खुशखबरी है। वो एक ऐसी खुशखबरी है जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। लेकिन मैं जिस खुशखबरी को स्याह खुशखबरी कहूँगा वो ये है, मैं आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया कर दूँ जहाँ पे आप अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सके, देन इससे बुरा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, आप खुद को खुद ख़त्म कर लेंगे। ये है स्याह खुशखबरी। और शैतान यही करता है, आपको माहौल देता है, आपको दोस्त देता है, आपको इस तरह की चीज़ें करने को देता है जिसमें आप अपनी मनमर्जी कर सके। रोमियो पहला बाब और तीसरा बाब में यही लिखा हुआ है, अगर मैं ये सब काम किसी को करने की इजाज़त दे दूँ तो जाहिर बात है वो खुश ही होगा। खुशखबरी क्या होती है? कोई ऐसी बात बताई जाए जिसमें खुशी होती है। तो जो रोमियो पहले बाब में मैंने पढ़ा है वो हम सब के लिए क्या होता है? खुशी होती है। होती है नहीं होती है? लेकिन मसीह की खुशखबरी वो काम करती है जो कि अजीब है, जो हमारे दिल को तब्दील कर देती है। और मेरे साथ ये सारा नहीं, इज़कियल 11 बाब, ये है वो टर्निंग पॉइंट जिधर यीशु मसीह काम करता है और आपको गुलामी से आजादी में लेके जाता है। किसमें? क्या लिखा हुआ है? और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे हकाम पर अमल करे और उन पर कार बंद हो और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। ये है असल आज़ादी की शुरुआत जो कि एक ऐसी लाइफ की तरफ लेके जाती है जिसमें खुदा परस्ती, खुदा खौफी और खुदा से मोहब्बत होती है। वो पिछली दफा यशो भाई ने यशाया 6 बाब की बड़ी मज़े की मिसाल दी हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पंजाबी कॉन्टेक्स्ट में। अपने आप से नफरत नहीं करते यार हम ऐसे क्यों हैं, जबकि खुदा इस बात का तकाजा करता है। चलें थोड़ा सा ओरिजिन की तरफ जाते हैं, शुरुआत। क्या खुदा के अलावा कोई और हो सकता है जिसने हमें बनाया हो? खुदा कौन है?
खुदा कौन है या खुदा क्या है? ये तो हमें पता है, उसने हमें पैदा किया या बनाया है। वो है क्या? इस चीज का इल्म यशायाह को हुआ, जिसकी वजह से वो बोला कि मैं, जब हम लोग जानेंगे ना वो क्या है, तब हम लोग अपने आप को समझ पाएंगे। अदरवाइज आपने आपको समझे तो बुद्धा वाली स्टेटमेंट कह के चले जाएंगे, एम्प्टीनेस है, हम अपनी ख्वाहिशात के जरिए से अटेम्प्ट होते हैं, लिहाजा क्या बन जाओ, मलंग बन जाओ, या पहाड़ा से टोर जाओ या जंगला से टोर जाओ, उतने जाके जिंदगी गुजारो, ना ख्वाहिश रहेगी, सिर्फ रोटी पानी होएगा और कुछ भी नहीं होना। ये कहता है इंसान खुदा के बगैर। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमें एक सलूशन प्रोवाइड करता है, एक हल देता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें हमें मोहब्बत की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई समझने की जरूरत पड़ती है। और ये वो आजादी है जिसमें हम लोगों ने जंग की नहीं है। इसमें एक ही आया था जिसने जंग की और जीत गए, चला गया और वापस आएगा। जब उसने आपको आजादी दी है तो आजादी का क्या मतलब है? वैसी ही आजादी क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? चले मसीही आजादी की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग वो हवाला पढ़ते हैं जो कि हमारी गुनाहगार इंसानी हालत को जाहिर करता है। इज़कियल 37 बार और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावंत का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देखो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंत खुदा, तू ही जानता है। ये सूखी हड्डियाँ, एक हड्डियाँ चलो जिनका अभी अभी मांस उतारा हो या ताज़ा होती हैं हड्डियाँ, ठीक है, जो हम लोग घरों में पका के भी खाते हैं, सही है, लेकिन ये वो हड्डियाँ नहीं हैं, सूखी मुरझाई हुई हैं। ये आपकी और मेरी हालत है, रूहानी हालत। तो नबी से खुदावंद सवाल करता है क्या ये जिंदा हो सकती है, तो नबी कहता है नहीं है खुदावंद, तुझे ही मालूम है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू उन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। क्या सुनो? गुलामी में आजादी का कलाम किया गया जो कि मसीह के वसीला से, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। मसीह होने के बाद आप सबसे पहले क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? खुदा को जानते हैं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई पर उनमें दम ना था। तब उसने फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर है आदमजात, और हवा से क्या है? खुदावंद खुदा यूं फरमाता कि आदम, ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई एक नहायत बड़ा लश्कर। ये वो नामुमकिन काम है जो मसीह ने आपको उस गुलामी से आज़ादी में लाने के लिए किया। सलीब बीच में खड़ी है, उससे पहले का नैरेटिव बड़े नहायत तारीख है और उसके बाद का भी उन तमाम कौमों का जो कि खुदा को नहीं जानती, नहायत तारीख। चीज़ें हम वो जो लोग करते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो सिस्टम खुदा के बगैर बिल्ड किया जाता है ना, वो हमेशा हमें एक ऐसी तरफ लेके जाता है जिसमें हमारी हलाकत खुद ब खुद होती है और उसमें खुदा की जजमेंट आती है, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ निज़ाम होता है, वो गुलामी का निज़ाम होता है। असल में जो आज़ादी लाएगा वो आज़ादी का सर चश्मा लाएगा, वो खुद मसीह है।
जो कि आज़ाद बीइंग है, वो उसको अपने ख्यालात के ऊपर अमल करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी माहौल को अडेप्ट नहीं करना पड़ता, वो जो सोचता है वैसा हो जाता है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है, लिहाजा वो भी हमें आज़ाद करता है। और इस कुदरत में खुदावंद यीशु मसीह का या खुदा की जो ज़ात है वो प्योरली अच्छाई से भरी हुई है, वो बुराई सोच ही नहीं सकता। इसलिए जब आप उस आज़ादी से वाकिफ होंगे जो मसीह देता है, तब आप अच्छे बनते चले जाएंगे, जो कि अच्छाई खुदा के कलाम के मुताबिक, ना कि दुनिया के मुताबिक। अच्छाई देखिए डिपेंड करती है, सब्जेक्टिव होती है, मुआशरे से मुआशरे तक, इंसान से इंसान तक। किसी को हॉरर मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, ये सब्जेक्टिव गुड है। यहाँ किसी मुआशरे में एक औरत को जूती का मुकाम समझा जाता है, और एक जगह पे उसको कहा जाता है कि कायनात को बनाने वाली क्या है, औरत है, खुदा का दर्जा दिया जाता है। ऐसा है या नहीं? तो फिर क्या होगा? अच्छाई अपनी अपनी जगह पे इंसानों के मुताबिक डिफाइन हुई, लेकिन खुदा का कलाम जब अच्छाई को डिफाइन करता है तो वो खुदा की ज़ात करती है, जो कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, जिसमें हमारी मर्जी नहीं सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी है। तब हम लोग समझ पाएंगे अच्छाई क्या है, क्योंकि अगर आप अपनी अच्छाई को समझेंगे तो आप गुनाह ही को समझेंगे। गुनाह करता क्या? यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा सवाल लिखे थे, व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज सिन, सिन इज इन आवर नेचर, गुनाह हमारी जात में, हु विल सेट अस फ्री फ्रॉम सिन, कौन हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है? यीशु मसीह। हाउ कैन वी नो वी आर स्लेव्स टू सिन, हम कैसे जान सकते हैं कि हम गुनाह के गुलाम हैं? मैंने आपको बताया कि खुदा का कलाम हमें बताता है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्योरली एक ऐसी बीइंग से आया है जो इसकी जात में अच्छाई पाई जाती है। फिर दी इम्पैक्ट ऑफ सिन स्लेवरी इन ह्यूमन रेस, हमने देखा कि इंसानी नस्ल पर गुनाह का असर क्या है, मैंने आपको मसाले दी। और डार्क गॉस्पल ये है कि मैं आपको वो माहौल दे दूँ जिसमें आप सब कुछ करना चाहते हैं, ये आपके लिए तबाही का सबब होगा, लेकिन आप उसमें भी चैरिश करेंगे, खुश होंगे। और वी कैन सी फ्रीडम फ्रॉम सिन, ये हमें कैसे पता चलता है कि हम गुनाह की गुलामी से आज़ाद होंगे? क्योंकि हम खुदा की तरफ जानेंगे या जाएंगे या खुदा को जानने की जस्तजू करेंगे, ये है असल में आज़ादी। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द सिन एंड रिजल्ट ऑफ होली फ्रीडम, मैं इसको पाकीज़ा आज़ादी का रुतबा दूंगा, एक ऐसी आज़ादी जो कि पाक है, क्योंकि ये पाक जात से आ रही है, इसलिए इस आज़ादी को हम लोग पाक आज़ादी भी कह सकते हैं, पाक सर जमीन आज़ाद बाद वाली नहीं। Who is the man or God make us free from sin? वो कौन है जो हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद करता है? मसीह यीशु की जात। अब जो आज़ादी है खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जो हमें मिलती है, उसमें हम लोग गुनाह से रिहा होते चले जाते हैं, हमारी जात के अंदर गुनाह होते हैं, लेकिन हम उनसे नफरत भी करते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर ना हो। ये एक स्ट्रगल है बातनी, जिसमें पौलुस कहते हैं मैं जिस अच्छाई का इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बुराई का इरादा भी नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इस चीज, इस जंग के अंदर खुदा आपकी मदद करता है। और जो असल आज़ादी है ना, अभी जब गुलामी है ना गुनाह की, तो उसमें देखे क्या क्या है, उसमें ये है जी, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंच देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हुनाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहेंगी। गुनाह की गुलामी में ये है, मौत है, आहुनाला है, दर्द है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन जब गुनाह नहीं होगा तो तब आज़ादी में ये चीज़ें नहीं होंगी। असल आज़ादी है जहाँ पे ये नहीं होगा, जहाँ पे हम नहीं रोएंगे, जहाँ पर मौत नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे तकलीफ नहीं है, वो असल आज़ादी है, और उसकी तरफ हम लोग बिलोंग करते हैं जाने के लिए। हर कोई आप में से कोशिश करता है ना कंफर्टेबल जिंदगी गुजारे, सोफे में बैठे हुए सब कुछ मिल जाए, करता है या नहीं?
गाड़ी हर कोई क्यों चाहता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, कंफर्टेबल है ना आपको। मैं जब सुबह सुबह जाता हूँ ट्योटे में 10-15 मिनट तो लेट हो जाता हूँ पहले, फिर सीट नहीं मिलती, बाद में सुजुकी में बैठ के जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं ये वो, लेकिन मैं क्या करने की ख्वाहिशमंद हूँ, कम्फर्ट, कम्फर्ट मिले जहाँ मुझे आराम मिले। असल आज़ादी में इंसानी जान को आराम मिलेगा वो है मसीह यीशु की पहचान में, जो कि मैंने इज़ेकियल 11:13 आपके सामने पढ़ा है। असल आज़ादी आपको खुदा की तरफ लेके जाती है और खुदा अब्दियत में बसता है, लिहाजा हकीकी आज़ादी आपको अब्दियत की तरफ लेकर जाएगी। और इसका हवाला मैं आपको देना चाहूँगा मुकाशवा 22 बाब उसकी 3 आयत, और फिर लानत ना होगी खुदा और बरकत तक उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसके उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। और वो अब्दुल अबाद, क्या अब्दी जिंदगी में जाएंगे और बादशाही करेंगे। ये है वो चीज जिसके लिए हम मसीही इस दुनिया में चुने जाते हैं, आज़ाद किए जाते हैं और हमसे डिमांड की जाती है कि हम इसके वर्दी जिंदगी गुजारें। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी को किस तरह से समझते हैं, कि आप खुदा को जान रहे हैं या नहीं अपनी आज़ादी में। अगर आप दावा करते हैं आप मसीह के वसीला से आज़ाद हैं और खुदा को नहीं जान रहे, देन यू आर नॉट फ्री, आप आज़ाद नहीं हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद हैं हकीकी तौर पे, तब आप कलाम के वसीला से खुदा की ज़ात को समझने की कोशिश करते होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आमीन।